सीडीओ संजय कुमार मीना ने विकास भवन के सभागार में जनपद के ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में गांव के लोगों को शामिल कर रोजगार दिया जाए। शासन का निर्देश है कि गांव के लोगों को सभी सरकारी कार्यों में 100 दिन का काम दिया जाए, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मनरेगा से जोड़ा जाए। ब्लॉक प्रमुखों के पास बहुत से लोग काम के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को 100 दिन का रोजगार देकर मनरेगा से जोड़ सकते हैं, जिससे मजदूरों का घर परिवार आसानी से चल सकेगा। इस अवसर पर चरगावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से वो पानी इकट्ठा रहता है, फिर संचारी रोग वाली समस्या आ जाती है। यानी साफ सफाई स्वच्छता की भी जरूरत पड़ती है और वहाँ सोपित निर्माण हैंडपंप के बगल में करा देने से ऊपर से नल वो रोग पर नियंत्रण भी आ जाता है। तो इस तरीके के हम इस मनरेगा को आपको विभिन्न जो है परिवार को के लाभ की दृष्टि से अगर हम आगे बढ़े तो खाली निर्माण कार्यों को छोड़ करके व्यक्तिगत लाभ और आर्थिक उत्पाद को बढ़ावा देने और बिजनेस व्यवसाय के दृष्टि से भी आपके गाँव वासियों को जो कि कम पढ़े लिखे या इस श्रेणी में आने वाले जानवर धारक परिवार है उनको 100 दिन का काम देते हुए इस दिशा में जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये अपील इसलिए भी है, चर्चा इसलिए भी मैं 5 मिनट में करना चाहता ताकि हमारे माननीय प्रमुख जी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके पास भी कुछ आते हैं, जनता आती है और चर्चा भी करती है, फिर आपकी बैठकें जब होते हैं वहाँ भी चर्चा होती है। तो इस दिशा में किए जाने और कराए जाने के लिए जो है इसमें लिया जा सकता है कोई ऐसे नहीं। 262 कार्य जो है वो सभी खंड विकास अधिकारी साहबान से अनुरोध है अपनी मांगी प्रभु जी लोगों को भी उपलब्ध करा देंगे, उसमें चिन्हांकित होगा एकदम स्पेशल क्लियर है कि कौन से काम कराए जा सकते हैं। पशुपालन विभाग देता है अनुसूचित परिवार, वहाँ 100% अनुसूचित परिवार है, लेकिन उसके सेट की बात वहाँ नहीं है, वो मनरेगा में 200 बड़ा करेगा फिर उसका सेट का भी बना रहेगा। तो ये बताते हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि इस योजना के तहत 60-40 का जो अनुपात है 60% जो खर्च किए जाते हैं उसमें लेबर कंपोनेंट में, चूंकि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अफसर सरकार आशय सिर्फ ये है कि 100 दिन हम क्यों बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निर्धारण किया एनालिसिस की गई उसके आधार पर आयुष बना जीव बना उसमें यह है कि 365 दिन में धान का है गेहूं का तीन फसली है दो फसली है तो एनालिसिस करने के बाद 200% लंबा किया जाता है कि कारण किस योग में कारण में जुड़ा रहता है काम करता है। लेकिन ये भी है कि इसको जो है 100 दिन दे करके 18,000-20,000 रुपए जो जाता है इसके घर परिवार में जाना चाहिए और जाए तो उसके जो है जीविकोपार्जन में भी रहेगा और रोजगार के अवसर जो प्राप्त होते हैं ये। तो कुल मिलाकर के ये मैंने सामरिक रूप में जो है एक उद्देश्य और इसके एनालिसिस के बारे में संज्ञान लाने का प्रयास किया। अब मुलाकात नहीं हो पाई है, हो सकता है कि आप लोगों से मुलाकात हुई हो जिस मुलाकात नहीं हुई।